क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बेतिया में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना में धांधली, ग्रामीणों में रोष, ठेकेदार ने लगाया आरोप। बिहार में संजय विक्रम शाह स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन, दोनों टीमों का शानदार रहा प्रदर्शन। भागलपुर में मौनी अमावस्या को लेकर कांवरियों में उत्साह, कांवरियों का जत्था आना शुरू, धाम में मौनी अमावस्या को लेकर नहीं व्यवस्थाएं। बक्सर में सीएम नीतीश का निकला काफिला, सीएम के काफिले के चलते 15 मिनट तक रोकनी पड़ी ट्रेन। मधुबनी में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गोली मारकर बदमाश हुए फरार, हत्या से परिजनों में आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। नालंदा में बाहुबली नेता पूर्व विधायक की पत्नी, मोकामा की विधायक नीलम का नवादा में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नीलम नवादा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही थी। इस दौरान विधायक ने शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए बयानों पर महागठबंधन में बढ़ रही तल्खियों को लेकर कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई भी तल्खियां नहीं है, यह सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। तो जो पार्टी हमको देगी उसका तो हम बखूबी निर्वहन करेंगे। बीजेपी लगातार इस चीज को लेकर हमला हो रही है, तो बीजेपी को दो टुक में क्या कहेंगे? बीजेपी का तो यही काम ही है। चलिए, समय कम है, आगे बड़ी दूर जाना है। नालंदा में बिहार पुलिस एकेडमी में पुलिस एसोसिएशन के शाखा का चुनाव केंद्रीय कार्यालय पटना द्वारा संपन्न करवाया गया। केंद्रीय कार्यालय पटना द्वारा अधिकृत मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा नालंदा के अध्यक्ष द्वारा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान में कई पदाधिकारी चुने गए, यह सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए हैं। खबर बेतिया से है, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना के तहत कौचाली जाने वाली सड़क में भारी कमी सामने आई है, जो कार्य की समाप्ति के एक ही महीने बाद ही रोड में गिट्टी उखड़ना शुरू हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वहीं सड़क का निर्माण लाखों रुपए खर्च करके कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस रोड निर्माण कार्य में मानक पैमाने की धज्जियां उड़ाई गई है, उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी गई है और कार्य को 4 से 5 दिनों के अंदर कार्य शुरू कराने की बात कही गई है। अभी तक PCC का जो निर्माण करना था वो भी ठेकेदार द्वारा छोड़ के भाग गए हैं और JCB कर दिए हैं भाई, ढलाई नहीं किए हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं, समय भी उसका बीत गया, बाकी काम अभी तक बाधित है। एक यहाँ रोड पर ग्रामीण किए हैं प्रदर्शन जी, कि रोड सही नहीं है, उस पर क्या आपका? ना, एकदम गलत, जो अलकतरा का काम जो हुआ है एकदम गलत ढंग से हुआ है। PCC तो लगभग ठीक काम किए, अच्छा काम किए, बताइए सब काम घटिया से घटिया भइल बा, ऐसा काम ही भइल बा कि सब उलझ जाता। कौन ठेकेदार बनवाया है?
अब ठेकेदार के तो हमने नाम नहीं मालूम लेकिन बगा के ठेकेदार हो गए खबर बेतिया से है जहां साइबर गिरोह इन दिनों काफी सक्रिय है और गिरोह पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। कस्टमर केयर से संपर्क के बाद लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसी क्रम में नगर के शिवगंज निवासी ने थाने में आवेदन दिया है। दिए आवेदन में बताया कि रिचार्ज करने के लिए जियो कंपनी ने 6 अज्ञात लोगों से बिजली बिल की मांग की थी। जब मुझे जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत की। उसके बाद हम बोले जी कि अभी तो कुछ दिन में रिचार्ज कराया है, बोले जी कि जियो ऑफिस से बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो नंबर जो दिया *401* और उसके बाद 10 डिजिट का नंबर बताया, मैंने डायल किया तो मेरा मोबाइल हैक हो गया, मेरा व्हाट्सएप चलना बंद हो गया और मेरा पूरा मोबाइल पर फ़ोन आना वाना सब बंद हो गया। उसके बाद जब मैं अपने भतीजा से दिखाया तो मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सब बदला, तो जाकर 2 दिन के बाद मेरा। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज प्रखंड मनरेगा कार्यालय में कार्यक्रम में पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जॉब कार्ड धारियों की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा मजदूरों का आधार सीडिंग 100% कराने को लेकर पीओ ने सभी पीआरएस को निर्देश दिया। पीओ उमेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक प्रखंड में 87.88% तक आधार सीडिंग पूर्ण कर लिया गया है। बता दें कि प्रखंड अंतर्गत कुल 73,088 जॉब कार्ड धारी हैं। भागलपुर में मलिकपुर में जमीन पर जबरन सरकारी रोड बनाई जा रही है। जब पीड़ित परिवार ने अधिकारी के पास इसकी शिकायत की तो अधिकारी महोदय उसे थाने भेज देते हैं। जब यह थाने जाते हैं तो थानेदार कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, आप अधिकारी के पास जाइए। वहीं जब इसकी सूचना लोक शिकायत अदालत में की गई तो लोक शिकायत अदालत का आदेश हुआ कि आप इस जमीन पर खेतीबाड़ी कीजिए, यह आपकी जमीन है, आखिर इन गरीबों को कब तक न्याय मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तरफ से दिया गया था जी सर, ये सरकार के द्वारा दिया था, बनबस्ती जमीन दिया था। हाँ, और उस जमीन में हम लोग खेती बाड़ी भी करते थे। मतलब अब क्या ऐसा प्रॉब्लम क्या आ गया? अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि पीछे उसी जमीन के अंदर में कूड़ादानी बनाया है। हाँ, जो कि वीडियो और मुखिया बनवाया है। हाँ, उसके लिए वो रास्ता जो है कि हमारा 14 या 16 फीट का रास्ता यहाँ से वहाँ तक ले जाना चाहता है, जिसमें कि हमारा 10 से 12 कट्ठा लगभग जमीन जो है कि वो रास्ता में चला जाएगा। हमारे ज़मीन पे वर्तमान के मुखिया अरविंद सा रोड बना रहे हैं ज़बरदस्ती। वहाँ जब उसको रोकने के लिए जाते हैं तो वो भेजते हैं कि जाओ तुम प्रखंड जाओ, अब वहाँ पे तुम जाके आवेदन दो या तो हमको नोटिस करवाओ कि मुझे नोटिस देंगे तो हम काम बंद करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और फिर जब वहाँ सीओ अंचे वीडियो के पास जाते हैं, वीडियो साहब के पास, तो बोलता है कि तुम थाना पे जाओ, ये हमारी नहीं समस्या है, थाना वाले की समस्या है। आर बुनल लाला आर बलजबरी में काटी लेलका तब बीच में जुलाई हो गलो इन्ना फिर मुखिया घर उठा वाला कुड़ार तो गेलो रोके लो से मारपीट हुआ लगल। ओ एकरो बस थाना में गेलो हलो थाना गेले त हमरा थाना लेबे ना करि रहल छ की कह छ भगा दे छ। हां थाना के जाना हो करे छ 30 साल पर पूरी गेलो। ओ 30 साल पूरी गेलो जमीन मतलब दसा हो गेले। हां जकरो उन्ना चांत उन्ना उ जेबे ना करे छ ना, तो पूरा एकदम कपड़ा वपड़ा फाड़ी दिल के यहाँ पर भी तो इसका बथरा कहलगांव में यहाँ पे केस किए ना, यहाँ पर भगा दिल के गेलिए। तो क्या बोला कल के कि तो जमीन का डेट फैल हो गलो से ना होकरोज के जमीन बाद में क्या बोला बाद में बोला कि दोनों आदमी मिल के रहो। हाँ कल के दोनों आदमी मिल के रहो। दोनों आदमी मिल के रहो। भागलपुर में अमावस्या को लेकर कांवरियों का जत्था आना शुरू हो गया है। वहीं एक कांवरियों ने बताया कि 23 वर्षों से अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर लोग आते हैं और मौनी अमावस्या
के दिन उत्तर वाहिनी गंगा घाट में स्नान कर बाबा बैजनाथ धाम पैदल यात्रा करते हैं। इसके लिए सीतामढ़ी से पैदल चलकर अधिक संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन गंगा घाट में एक भी शौचालय नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें महिलाओं के लिए तो चेंजिंग रूम नहीं बनने से काफी परेशानी हो रही है। हम लोग उस ऑर्डर का अच्छा अच्छा पालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारे नज़र में जो सुविधा की ज़रूरत है वहाँ भी फोर्स की अतिरिक्त फोर्स है जिसकी व्यवस्था वहाँ की जा रही है जी। और सर शहर की जाम की व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ? मौनी अमावस्या में जो फोर्स वगैरह बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हर जगह बैरिकेडिंग लगा कर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। भागलपुर में नवगछिया जिले में पटना एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 400 जिंदा कारतूस, 1 बंदूक और 1 पिस्टल समेत 2 बाइक बरामद की गई है। सभी रेंज के एसपी साहब के साथ और सभी एसडीपीओ साहब के साथ उसमें सर ने कुछ निर्देश दिया था, उसमें से 2 निर्देश ये था कि 17, 18, 19, 20 लगातार 4 दिन एस ड्राइव चलाया जाएगा क्रिमिनल्स जो भी हैं उनके अरेस्टिंग के लिए, उसमें क्वालिटी अरेस्टिंग के लिए, यानी कि जो सीरियस केसेस एक्यूज हैं जिनका काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी गिरफ्तारी की जाए। और आज और 20 तारीख को 2 दिन बॉर्डर सीलिंग पॉइंट और टाउन सीलिंग पॉइंट और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चौक चौराहा था वहां भी आज चेकिंग चलाई गई। वीआईपी को पास कराने के लिए रोड ब्लॉक करना तो आम बात है, लेकिन ताजा मामला में ट्रेन रोके जाने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यह घटना बक्सर में हुई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिलों को निकालने के लिए आउटर पर 2 ट्रेनों को 15 मिनट तक रोक कर रखा गया, जिस कारण यात्री ट्रेन से उतरकर पैदल ही बक्सर स्टेशन पर जाने लगे। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रतीकात्मक रूप से थाली बजाकर बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बक्सर में लोगों को परेशान कर चले गए, ट्रेन रोकी गई, घंटों लोगों को जाम में रहना पड़ा। मुख्यमंत्री के आने के लिए 2-2 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहां रुकी रही। खबर हाजीपुर से है, जहां सेदुआरी गांव से जहां 2 महिला सिपाही ने बैंक को लूटने से बचा लिया। 2 महिला सिपाही के सहयोग से दिन दहाड़े लूटने से बच गया। वहीं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऐसे महिला सिपाही के जज्बे को सलाम करते हैं। आपको बता दें कि इस घटना की वारदात को अंजाम देने बाइक से 4 अपराधी पहुंचे थे। 1 अपराधी बाहर और 1 अपराधी लोहे की सीढ़ी पर और 2 अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। इस बीच बैंक में ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही फायरिंग पोजीशन में आता देख अपराधी वहां से जान बचाकर भाग निकले। बोला कि जी मैडम काम है, एक बोला काम है, दूसरा जूही बोली कि काम है तो पासबुक दिखाइए, तो पिस्टल काम गया नहीं है। बस जूही से वो राइफल छीनने की कोशिश करने लगा, तो जूही अपना राइफल उसे बचाई, पीछे हटी उसको झटका देकर, और फिर मेरा भी राइफल छीनने लगा। बस दोनों में बक्सा खोने लगा, खींचा पानी होने लगा, इधर में फिर जूही उधर भागी और जूही उन पर राइफल तान दी, कॉक करने लगी, मतलब फायरिंग करने वाली थी कि मतलब वो छोड़कर भाग गया और हम पूरा उससे प्रयास किए। मत...
मधुबनी में मोहनपुर गांव के निवासी युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर थाना की पुलिस भी पहुंची। युवक की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश बढ़ गया। अस्पताल में हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने हंगामा किया। इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। पेट्रोल पंप पर पति के बुला के ले गए, वहाँ पे पूरे पीछे से गोली का गोली छेद दिए गए। क्या आदमी था उसके साथ? दो आदमी थे वो लोग? हाँ, तीन चार आदमी थे। इनका क्या नाम है? दीपक यादव। कब से जमीन का कारोबार कर रहे हैं? दो तीन साल से कर रहे हैं। क्या लग रहा है जमीन के कारोबार के कारण ही इनको गोली मारा गया है? पहले से ही कोई विवाद आ रहा था? हाँ, पहले से विवाद हो रहा था। नहीं, विवाद तो पहले हुआ था। नाम भी घोषित गया है, उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई गई है जिला स्तर पर तथा उच्च स्तर पर भी, और रोहित यादव की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। सर, भूमि विवाद के लेकर के इस एरिया में काफ़ी मतलब वर्चस्व में मर्डर हुआ है, इससे पूर्व में भी हुआ है, उस संबंध में क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोनों तरफ से जो घटनाएँ हुई हैं उसमें जो लोग भी शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल, या तो वो लोग जेल। हाँ, सूचना प्राप्त होती है, हमारी नियरेस्ट थाना वहाँ पे पहुँची और बॉडी को लेकर अस्पताल आई, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। हम लोग उसे फर्दर जो प्रोसेस होता है पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं, और साथ ही जिस जिस व्यक्ति पे लोग अभी FIR करवाएंगे, जो आरोप तय होगा हम लोग SP साहब से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन, आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव। काशीराम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी स्थानीय प्रशासन से मिली भगत कर गैस चोरी का खेल चल रहा था। गैस चोरी के कारोबार में खुलासा होने के बाद बता दें कि नेशनल हाईवे के किनारे के लाइन होटलों के बाहर स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से गैस टैंकर से रात के अंधेरे से गैस कटिंग का खेल खेला जा रहा था। कोई कार्रवाई नहीं होता देख सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के बाद से गैस कटिंग करने वाले में हड़कंप मच गया। SP के निर्देश पर हुई छापेमारी के दौरान 38 गैस सिलेंडर और 2 मोबाइल के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया।
नालंदा में जिला फतुहा हिलसा पथ के डियामा चौक पर बस अनियंत्रित होकर मिठाई की दुकान पर सलून में जा घुसी, जिसके कारण सलून और दुकान में सो रहे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और अनियंत्रित बस को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हो गया, वहीं मुआवजे की मांग की जा रही है। अच्छा, ये घटना कैसे घटी है? कब? रात में बस मारा है, तो लगा हुआ बस मार दिया है। नालंदा में देखपुरा गांव में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही यह बात स्थानीय ग्रामीणों में आग की तरह फैल गई। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मृतक किशोर सिंह का अपने ही पुत्र से संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा था। बताया जाता है कि युवक अपने छोटे पुत्र को घर में रहने नहीं देता था। संपत्ति विवाद को लेकर पिता और पुत्र के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुत्र साइको टाइप का व्यक्ति था और वह अपनी पत्नी के साथ भी बेरहमी से मारपीट किया करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। हम गेट खोल के पहले उसको अपना अंदर किए, लड़का को उसका जो लड़का था उनको अंदर किए। उसके बाद में हम लोग सब दो तीन भाई मिल करके चचेरा भाई से मिल करके आ करके देखे हैं घटना पर, घर पर तो उनका मृत्यु पाया। आँख भी फोड़ दिया क्या? तो आके देखे तो देख फोड़ी जो था उस आप भी देखे, हम भी देखे, वही चीज़ देखे। आँख फोड़ा हुआ है ना? हम अभी तक गौर से देखे नहीं, लड़का आँख के बगल लगता है, चोट खून बह रहा है। घर में पैसे कौड़ी के लिए करके होते रहता था मारपीट बेटा और बाप ने दोनों में। कैसे हत्या किया है? ये बेटा ही इसको मारा है और छोटा वाला का तो ये 2 साल से भगा रखा है। अच्छा, तो आँख को फोड़ दिया है? हाँ, राइट साइड का पूरा आँख को चूर दिया है। वो हमारा संक लगता है कि स्टील पंच का मार है। मैंने पीट पीट के हत्या किया है? हाँ हाँ, थाप मार पूरे गाल ला काला कर दिया है। उसके बाद राइट आई पर, राइट आंख पर फैट से मार मार के चूर दिया पूरा। तो क्या मारा इसको? सहरसा में पुलिस ने एक बाइक पर सवार दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से शराब भी बरामद की है। वहीं ओपी अध्यक्ष ज्ञानानंद अमनेंद्र ने बताया कि दोनों तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा गया है। बिहार प्रदेश पुलिस एसोसिएशन के निर्देश पर मधुबनी जिला पुलिस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। प्रदेश एसोसिएशन के निर्देश पर चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित किया गया था। मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह पुलिस एसोसिएशन सचिव शाखा दरभंगा के देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई है। वहीं नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर थाना के प्रांगण में नवनिर्वाचित पुलिस प्रतिनिधियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद अपने नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देने का तांता सा लगा रहा। हम इसके आभारी हैं, जिस आस्था और विश्वास के साथ मेरा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है, मैं कुछ चुना गया, निर्वाचित किया गया है, वो भी निर्विरोध। मैं इसका लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक तन मन धन से इनके लिए, इनके हक अधिकार के लिए लड़ने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसके आलोक में दरभंगा के पदाधिकारी को यहाँ निर्वाचन के लिए मनोनीत किया गया था, जो यहाँ ये लोग आए हैं। और बड़ी अच्छी बात है मधुबनी जिला के लिए कि मधुबनी जिला के सारे पदाधिकारियों ने एक मत कायम करके इन लोगों को निर्विरोध निर्वाचित किया है। और इस उम्मीद के साथ किया है कि अभी जो भी समस्या हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी सदस्य हैं, उनकी सारी समस्याओं के इन लोग को एफिशिएंट जाना गया है और इसीलिए इनको बनाया गया है। इसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं
हमारे अध्यक्ष साहब हैं पूरी पुलिस निरीक्षक महोदय आर के भानु सर, उपाध्यक्ष हो गए पुअनी दिनेश ओझा सर, कोषाध्यक्ष हो गए फैजुल आरफीन खान, और संयुक्त मंत्री हो गए विजय कुमार सिंह सहनी पुअनी और मधुबनी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद पर चुनाव के नतीजे आने के बाद नवनीत कुमार निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 10 मतों के अंतर से व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रखंड परिसर में शुरू हुआ था। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिलाषा पाठक ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक 305 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड में वोटर लिस्ट के अनुसार कुल 765 मतदाता वोटर लिस्ट में अंकित थे, जिसमें कई मतदाता मृत हो चुके हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हटाए गए थे। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अपने वोटर लिस्ट के आधार पर ही चुनाव हो रहा है। व्यापार मंडल के सदस्य के पद पर 10 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, सभी 10 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 148 मत प्राप्त हुआ था। और उनको कितना? 138। 10 वोट से हारे और टोटल वोटिंग है 305। महारथी से लड़के जीते हैं और मेरे एंट्री में सब लगे हुए थे, जितने भी वरीय पदाधिकारी से लेके और नेता लोग लगे हुए थे। और काम विकास बताइए, विकास के बारे में पिछले कितनों दिनों से ये व्यापार मंडल की कोई कार्यशाला ठप था। अब हम लोग चार के नवयुवक हो कि इनका काम प्रगति पहला है और हम लोग नवयुवक हैं। सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज सड़क पर उतर गई हैं, जहां कलेक्ट्रेट गेट के पास सैकड़ों की तादाद में सेविका सहायिका बैठकर सरकार से गुहार लगा रही हैं। साथ ही साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए वादे को भी याद दिला रही हैं। बता दें कि सेविका सहायिका अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें सेविका सहायिका का सेवा नियमित करते हुए समान काम का समान वेतन लागू किया जाए, इसके साथ ही उनको जरूरी सुविधाएं देने की मांग पर अड़ी हुई हैं। अपना मांग पत्र रखे थे और आज जिला स्तरीय मेन उद्देश्य समान काम का समान दाम, और जब तक समान काम का समान दाम नहीं दिया जाए तब तक हम सेविका को 21,000 मानदेय और सहायिका को 15,000 रुपया तत्काल हम लोग को मानदेय के रूप में दिया जाए। और हमारे से जैसे हम लोग जितनी भी सेविका सहायिका हैं, जच्चा से लेके बच्चा तक काम करते हैं, मरण से जन्म से लेके मृत्यु तक का काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे में सरकार के ही द्वारा निर्धारित किया गया था, सरकार के कमेटी के ही द्वारा, कि जब तक नियमित नहीं होता है तब तक सेविका को 21,000 और सहायिका को 15,000। आज एक आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए किसी की पत्नी होना अनिवार्य होता है, और यदि पत्नी बनते हैं तो माँ भी बनना अनिवार्य होगा। भाई मैं पत्रकार बंधु से भी ये आग्रह करूँगी कि ये सरकार तक हमारी आवाज़ को दें, क्योंकि अनमैरिज लड़की को आंगनबाड़ी सेविका में नहीं लिया जाता है। खबर सहरसा जिले से है, जहां वाहन जांच के दौरान एक वाहन चालक की पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो 3 दिन पहले का है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ओपी अध्यक्ष संजय कुमार दास सिविल ड्रेस में एक वाहन चालक को कैसे पिटाई कर रहे हैं, और वहां लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। वाहन चालक को क्यों ओपी अध्यक्ष के द्वारा पिटाई की जा रही है ये पता नहीं चल सका है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर DSP एजाज हाफिज मानी ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होगी। चालक के साथ मारपीट की जा रही दबंगे दिखाई, ये वीडियो हमें अभी संज्ञान में नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त होते ही आपके साथ शेयर करेंगे।
खबर बेतिया से है, जहां स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और बघा विधायक राम सिंह संयुक्त रूप से फीता काट कर किए, जो 2 जनवरी से 18 जनवरी तक होने वाले फुटबॉल मैच के पहले दिन कदम हवा टीम और परसौनी टीम मैदान में उतरी। दोनों टीमों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। उसके बारे में क्या कहना है आपको? फाइनल मैच मैंने बहुत रोमांचक था, काफ़ी 10,000 से ऊपर दर्शकों की भीड़ थी और बहुत अच्छे अच्छे गणमान्य गण पधारे हुए थे, मंचासीन थे, जिसमें बहुत अच्छा से लोग मनोरंजन के साथ साथ एक प्रतिभाशाली बच्चों का जो कर्तव्य है, मेहनत है, परिश्रम है, सबको देखा गया। सभी लोगों ने सराहना किया कि ये लोग जरूर एक न एक दिन नेशनल खेलेगा और फिर इंटर। अभी के लिए इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।